इसलिए ये निश्चय करके आप लोगों ने तय किया तिवारी जी यही है कि जो भी नीतिगत मामले में जो भी समस्या है उसका फैसला प्रेस को मीडिया को प्रेस ही देंगे। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप है न्यूज फॉर नेशन पर। इसे महज एक इत्तेफाक कहा जाए या फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बयान का असर कि बिहार में तेजस्वी यादव ही सब जो है किसी बड़े मुद्दे पर बोलेंगे और सिर्फ तेजस्वी ही बोलेंगे और उसके बाद बिहार में तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब वो बड़ा फैसला है क्या? अपनी सरकार के अंदर महागठबंधन के अंदर में और तेजस्वी यादव ने कैसे लालू यादव के उस बयान के बाद जो है ये फैसला लिया है, दिखाते हैं आपको। अब इसे महज एक इत्तेफाक कहा जाए कि राजद सुप्रीमो यादव के फैसले का असर, एक दिन पहले ही लालू यादव ने अपने बेटे व राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़े फैसले लेने का अधिकार दिया और बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों पर महागठबंधन की ओर से राजद ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। राजद ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र से बाहुबली नंद सिंह की पत्नी नीलम देवी और गोपालगंज सीट से मोहन गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। गोपालगंज राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है। महागठबंधन में जेडीयू बड़ी पार्टी है लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली। पिछले चुनाव पर यदि गौर करें तो उस हिसाब से यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताया जाता है कि महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राजद है और यह सरकार में भी जो है नंबर के हिसाब से ही चल रही है। राजद ने राज्य को जेडीयू का सीएम देकर पूरी कीमत वसूल ली है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को राजद दफ्तर में सहयोगी दलों की उपस्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने महागठबंधन के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। मांझी ने दावा किया कि दोनों सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवार की जीत होगी। बताया कि महागठबंधन के सभी सात दलों ने सर्वसम्मति से इसके नामों पर मुहर लगाई है और अब महागठबंधन के सभी दल दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करेंगे और कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि दोनों सीटों पर 3 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं जबकि 6 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। तो लालू यादव ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन जो आरजेडी का था जिसमें उनको पार्टी का एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है घोषित किया गया। इसी कार्यक्रम में उन्होंने साफ कह दिया था कि महागठबंधन में सिर्फ और सिर्फ जो जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उस पर तेजस्वी यादव ही अपनी बात रखेंगे, दूसरे किसी को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के बाद एक दिन बाद ही बिहार में तेजस्वी यादव ने महत्वपूर्ण फैसला ले लिया जिसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी को दोनों सीटें उपचुनाव वाली मिल गई हैं जिसमें मोकामा और गोपालगंज है। जदयू के हाथ खाली हैं तो कांग्रेस जो गोपालगंज सीट में पिछले दफ़े चुनाव के मैदान में उतरी थी उसको भी इस बार खाली हाथ रहना पड़ा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।